मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर शैलेंद्र श्रीवास्तव की तरफ से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए बताया कि अयोध्या वासियों को जो तोड़फोड़ प्रभावित हुए हैं उनको ईश्वर हिम्मत दे अपना कार्यभार अच्छे से चला सके, क्योंकि इस तोड़फोड़ में काफी लोग प्रभावित हुए हैं, बेघर हुए हैं। अब बताया कि मुआवजा भी ना के बराबर मिला है। हम लोग शासन से भी काफी नाराज हैं, क्योंकि इस तरीके से करना ही था। मुआवजा इतना अच्छा देते कि लोग अपना स्थापित हो सकते, कारोबार अच्छे से चला सकते। आर्मी अयोध्या वासियों से संवेदना रखते हुए यही कहना चाहूंगा, ईश्वर उनको हिम्मत दे अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जो जहां भी कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोग विस्थापित हो चुके हैं। शैलेंद्र श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष। संक्रांति के शुभ अवसर पर देशवासियों, और ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आने वाला समय उनके लिए अच्छा हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यहाँ भी रहें अच्छे से। तोड़फोड़ चल रही है और इससे आप लोगों को क्या प्रभाव पड़ा? पहली बात तो मैं अयोध्या वासियों को जो तोड़फोड़ से प्रभावित हुए हैं उनको ईश्वर हिम्मत दे कि अपना कारोबार अच्छे से चला सके, क्योंकि इस तोड़फोड़ में काफ़ी लोग प्रभावित भी हुए हैं, काफ़ी लोग बेघर भी हुए हैं। और आप सभी मीडिया बंधुओं को यह पता होना चाहिए कि मुआवजा भी ना के बराबर ही मिला है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन ठीक है, इस सब को जो मंजूर था वो हुआ है। और हम लोग शासन से भी काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर करना ही था तो कम से कम मुआवजा इतना अच्छा देते कि लोग अपना स्थापित हो सकते, अपना कारोबार अच्छे से चला सकते। और मैं केवल अयोध्या वासियों से संवेदना रखते हुए यही कहना चाहूँगा कि ईश्वर उनको हिम्मत दे अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छे से करने के लिए, जो जहाँ भी कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग विस्थापित हो चुके हैं, काफ़ी लोग जहाँ पर हैं उनकी प्रतिष्ठानों को काफ़ी हानि हुई है तोड़फोड़ से, तो सभी लोग अपने अपने काम को अच्छे से करें। शैलेंद्र श्रीवास्तव, मैं यू ब्रिगेड समाजवादी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष।